अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तुम सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। आप जितनी नौजवान आए ना, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, ये बच्चा किसका खो गया? उलमा की सोहबत में बैठो है, उलमा की सोहबत इख्तियार करो, इनसे फैज याब हो, इनसे इल्म सीखो। ओ छोड़ दो, सारा ने फैज डूब गए, मैं भी बुजुर्गों का फैज है। हाँ, मेरा ध्यान ना, इसके बदले अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी सवार देगा, आखिरत भी सवार देगा। सही कह रहे हैं। आज तो टके टके के लोग आ गए, जिनकी कोई औकात नहीं, जिनको घर वाले नहीं पूछते। एक दो टके के अहमद के लिए आप मुझे 50 मिलियन। वो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बैठकर उलमा पर बकबक कर रहे हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। चलो, मैं खुद जामियतुल मदीना का तालिबे इल्म हूं। उमन दसो मैं के करा, मैं खुद तालिबे इल्म हूं दर्श निजामी का। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला? मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। टके टके के लोग, जिनको अरबी का आता पता नहीं है, जिनका बाप मर जाए तो ये गुसल ना दे सके, ये कफन ना दे सके, जनाजा ना पढ़ा सके, ना पढ़ सके, तोबा, ना दफना सके, वो लोग बैठकर उलमा पर बकबक कर रहे हैं। मुझे अपने ईमान से बताओ, आपकी मस्जिद का आलिम, आपकी मस्जिद का इमाम 7 साल 8 साल 6 साल लगाकर दरसे निजामी करे, कहानियां करवाते हैं, रसूलुल्लाह का दीन पढ़े पढ़ाए, हदीसे पढ़े और पढ़ाए, तो उसके मुकाबले में आप किसी प्लम्बर, इंजीनियर या कारपेंटर को लाकर खड़ा कर सकते हैं? अक्लों पे इनके पर्दे पड़े में नहीं जनाब, क्योंकि उसने तो दीन पढ़ा ही नहीं है। बहुत गुस्ताख है वो बुजुर्गांदा। ये तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, ये कहां से आलिम दीन के मुकाबले में आ गए? कैसा चवला आदमी। आज उम्मत ने यही किया है, उलमा के मुकाबले में वो प्लम्बर को लाकर खड़ा कर दिया है। भाई वाह, क्या उलमा जो कि अंबिया के वारिस है। सुभान अल्लाह, आप इस बात को समझें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये उलमा मेरे वारिस हैं। कहते हैं उलमा तो कोई शय ही नहीं। नहीं नहीं बाबे तो शय ही कोई नहीं। यकीन करो, ये इतनी बार बोला है कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा बाबों पे तरस आना शुरू हो गया। तो भाई वारिसों से बात की जाएगी ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन की बात सीखनी है तो किससे बात की जाएगी? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। ये कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने अगर दीन ना जमा किया होता तो दीन बर्बाद हो जाता, बर्बाद ही तुम्हारे बुजुर्गों ने किया है। उलमा से जो कि हुजूर के वारिस हैं। इश्क दे चले नहीं सर, अक्ल वाले। ये प्लम्बरों से, इंजीनियरों से और कारपेंटरों से नहीं सीखी जाएगी, क्योंकि इसने मंजी ठोकी है। इंजीनियर कहता उलमा के पास दलाइल ही कोई नहीं। बात तो ठीक है, लेकिन बात है रुसवाई की। मैंने कहा ये क्या बात हो गई, आकर बैठो ना मुफ्ती साहब के साथ, मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब के साथ, मुफ्ती मुशाहिद हुसैन काजमी साहब के साथ। तैनू विच किसने चमचा बनाया कड़छा? ये क्या बात कर दी, ये तो कोई बात नहीं हुई कि तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे बंदे, तेरे लोग, तेरे दलाइल और तेरी बातें। वेट अ मिनट, तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग, तेरी किताबें, तेरी बातें। पकड़ लिया साले, समझ आई? मिसबाही तो शाय कोई नहीं है। तेरी बाबा आकर बैठ उलमा के साथ ताकि पता चले तुझे आलिम कौन होता है। और तुसी तो शाय कोई नहीं। इल्म क्या होता है, जब अकल मत मारी जाए ना, जब अकल चली जाती है तो फिर देखो कैसा काम करता है बंदा। एड्डे सीधे नहीं जे, ये जलेबी नु ज्यादा डिंगे ने। अरबी में ना पे है ना टे है, कहता है जानो को अरबी में कहते हैं पट। नऊज बिल्ला, अंदाजा करो ये लोगों का लेवल है। आप देखें हजरत, ये इतना बड़ा बदबख्त है, पहले कहता था बाबे ते कोई शाही नहीं, फिर ये आया सहाबा इकराम पर, अमीरे मुआविया ते शाही नहीं। ओ भाई रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, कातिबे वही हैं, हजरत उम्मे हबीबा के सगे भाई हैं, नबी पाक के सहाबी हैं, जिनके बारे में कुरान ने कहा वकुल्लहु अदल्लाहुल हुस्ना, कहता है वो तो कोई शाही नहीं। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली जैसा है ही कोई नहीं, तो तेरा मामू तो शाही कोई नहीं। हाँ, फिर इमाम हसन पर इसने हमला किया, इमाम हसन ते कोई शय ही नहीं। ये सारे क्लिप जो मैं बातें कर रहा हूँ इसके चैनल पर अपलोड हुए हैं। वाह वाह, चंगी मत पे देना है मनु। हाँ, और फिर अब ये इसने क्या बात की, कहता है रब के आगे पैगंबर ते कोई शय ही नहीं, नबी पाक ते कोई शय ही नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इससे बचो, इसके फितने से बचो, इसकी बातों से बचो, अपने बच्चों को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ। अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत अता फरमाए। आमीन। रुको जरा, सबर करो, यानी ये फकी भी ले जा, जिसका कोई इल्मी आजमा खराब होए तो उन्हें फकी भी दे। ओ लख लानत तेरे जम्मण पे।